अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप यू आर डूइंग वेल। सो आज मैं आप लोगों के साथ ट्राउज़र का एक और ब्यूटीफुल डिज़ाइन शेयर करूँगी। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हम ट्राउज़र की लेंथ अपनी 2.5 इंच कम रखेंगे। सबसे पहले ये मैंने ट्राउज़र के साथ का फैब्रिक लिया है, काफ़ी लंबा सारा। इसकी विड्थ इस तरह से मैंने 1.5 इंच रखी है और एक इसके साथ का मैंने कंट्रास्ट का फैब्रिक लिया है ब्लैक कलर का, उसकी विड्थ भी 1.5 इंच ही है। दोनों का साइज़ हम बिल्कुल बराबर रखेंगे और फिर ऐसे एक साइड से इनको रख कर स्टिच करेंगे। एक साइड से स्टिच करने के बाद दूसरी साइड से स्टिच कर लेंगे। यहाँ से दोनों साइड से मैंने स्टिच कर लिया है। अब इस पट्टी को हम किसी भी चीज़ की हेल्प से सीधा कर लेंगे। ये देखें, पट्टी को सीधा करने के बाद इसको प्रेस कर लेंगे। यहाँ पर पट्टी को मैंने प्रेस कर लिया है। अब इस पट्टी में से हम 4.5-4 इंच की पट्टियाँ कट करेंगे। ऐसे हमने काफ़ी सारी 4.5-4 इंच की पट्टियाँ कट कर लेनी हैं। पट्टियाँ कट करने के बाद एक पट्टी लेंगे और उसको ये देखें इस तरह से फोल्ड करेंगे ऊपर की साइड पर, और दूसरी साइड से हम नीचे की साइड पर ऐसे फोल्ड करेंगे ऐसे, और नीचे से यहाँ से ये देखें, देखिए नीचे से इस साइड पर ऐसे फोल्ड करेंगे और फिर दोबारा हम इसको ऊपर की साइड पर ऐसे फोल्ड कर देंगे। ऐसे ये हम इसका स्क्वायर बनाएंगे। सेम इसी तरह से हम इस पट्टी को फोल्ड करके ऐसा स्क्वायर बना लेंगे। ये देखें ऐसे, ऐसे हमने काफ़ी सारे स्क्वायर्स बनाने हैं। इनको बनाने के बाद नीचे से हम सबको स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने काफ़ी सारे स्क्वायर्स को रेडी कर लिया है। अब इनको रेडी करने के बाद ये मैंने ट्राउज़र के साथ का फैब्रिक लिया है, इसके नीचे मैंने बुकरम को पेस्ट कर लिया है। इसकी लेंथ इस तरह से 3 इंच है और इसकी विड्थ हम अपने 5 इंच के हिसाब से रखेंगे। अब इन स्क्वायर्स को हम यहाँ पर रख कर स्टिच करेंगे और एक इसके सामने यहाँ पर स्टिच करेंगे। तो पहले यहाँ पर हम ग्लू लगा कर पेस्ट कर लेंगे, क्योंकि पहले हम एक साइड से स्टिच करेंगे, बाद में फिर इस साइड से स्टिच करेंगे। ये देखें ऐसे, अब दोबारा से यहाँ पर स्टिच कर लिया है। अब इसके सामने यहाँ पर दोबारा UHU लगा कर यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पर इसको स्टिच करेंगे। सेम इसी तरह से हम इस पूरी पट्टी पर इन स्क्वायर्स को स्टिच कर लेंगे। ये देखें यहाँ पर मैंने इनको स्टिच कर लिया है दोनों साइड पर। स्टिच करने के बाद साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको हम कट कर देंगे, या जो एक्स्ट्रा पट्टियाँ बाहर निकली होंगी उनको कट करेंगे। दोनों साइड से मैंने कट कर लिया है। इसको कट करने के बाद अब हम नीडल से ये देखें इन दोनों के जो कॉर्नर्स होंगे, उन दोनों कॉर्नर्स को हम ऐसे स्टिच करेंगे। ये देखें ऐसे, अब इनको यहाँ से स्टिच कर लेंगे। सेम इसी तरह से हम इन सबको स्टिच करेंगे। और यहाँ पर ये देखें मैंने सब कॉर्नर्स को स्टिच कर लिया है। इनको स्टिच करने के बाद ये मैंने फैब्रिक लिया है, इसके नीचे मैंने बुकरम को पेस्ट कर लिया है। इस फैब्रिक की विड्थ इस तरह से 1.5 इंच है फोल्ड करके, और अब फैब्रिक को ये देखें इस तरह से खोल कर इसके साथ इस पट्टी के साथ इसको स्टिच करेंगे। ये हमारी 5 इंच वाली साइड है। स्टिच करने के बाद अब इस बुकरम को ऐसे खोल कर ऊपर की साइड पर ऐसे फोल्ड करके अब यहाँ से स्टिच करेंगे। ये देखें ये हमारी 5 इंच वाली साइड है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने अपने 5 इंच को रेडी कर लिया है। इसको रेडी करने के बाद जो इसकी रेडी लेंथ है वो 3 इंच है, तो हम अपने ट्राउज़र की लेंथ 2.5 इंच कम रखेंगे। अब ये मैंने पर्स लिए हैं, पर्स को हम इनके सेंटर में यहाँ पर ये देखें मैंने स्टिच कर लिया है। अब इसके बाद ये मैंने अपना 5 इंच लिया है, 5 इंच के साथ हम इस पट्टी को स्टिच कर देंगे। यहाँ से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। अब इसको खोलकर यहाँ पर हम टॉप स्टिच लगा देंगे।
और ये लास्ट में देखिए मेरा ट्राउज़र का डिज़ाइन बिल्कुल रेडी हो चुका है, कितना खूबसूरत लग रहा है। ऐसा सेम डिज़ाइन आप लोग अपने दामन पर और अपने स्लीव पर भी बना सकते हैं। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।